हाँ, तो आज अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने जो आपको होमवर्क दिया था मैंने वो कर लेते पूरा। एक तो ये था कि ही विल गो टू स्कूल, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसमें विल पे ले जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फिर विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया अपना। फिर अनलेस यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया था मैंने आपको, अनलेस यू डैश हार्ड यू गुड मार्क्स। इसमें क्या था कि चार ऑप्शन दिए हुए थे मैंने आपको, बताया था अनलेस, अनटिल, टिल, ये वर्ड सुने जब भी वर्ड ये आ जाए तो उसके जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, विल स्टडी नहीं आ सकता क्योंकि सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए। स्टडीड पास्ट सिंपल है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और फिर स्टडीड पास्ट सिंपल है तो बचा कौन, सी। तो सी इज द राइट आंसर क्योंकि स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ तो आ जाएगा स्टडी, बिल्कुल सही है क्योंकि जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल आता है, और उसके बाद में यू विल नॉट, और विल नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो आपका बी इज सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यू विल गो ऑन फेलिंग अनटिल यू, अब देखो यहाँ पर ये आपका फ्यूचर सिंपल, तो सीधी सी बात है अनटिल इनके जस्ट बाद में कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल, तो यू वर्क का वर्क ही आएगा। अगर यहाँ पर ही होता तो वर्क्स हो जाता, ही होता तो वर्क्स हो जाता क्योंकि सिंगुलर के साथ में एस एस लगता है, लेकिन यहाँ पर यू है तो वर्क का वर्क ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लूरल के साथ में एस एस नहीं आता। नेक्स्ट है आई डैश नॉट अलाउ यू टू सिट इन द क्लास इफ़ यू डोंट डिपॉजिट योर फी टुमारो। टुमारो वर्ड देखते ही फ्यूचर है कि आपने अगर फीस जमा नहीं कराई तो उन्हें बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर वर्ड सेंटेंस यूज हुआ है इफ़ का, और इफ़ के बाद में डू नॉट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, मैंने कहा था इफ़ अनटिल टिल अनलेस एज सून एज, उसके जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल आता है तो उससे पहले कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर, तो आई विल नॉट तो है केयर आई विल, ओके। तो ये होमवर्क, सिंपल सा होमवर्क था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बेसिक्स, ठीक है। हाँ, आज अपन अब स्टार्ट कर देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। पहले अपन इसके पूरा बेसिक जानेंगे, देन उसके बाद देखो, वैसे फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस एग्जाम में आता है, बाकी इसमें इसका ज़्यादा यूज़ क्या होता है, मॉडल में होता है, वो मैं आपको बता चुका, तो जब मॉडल्स पढ़ेंगे अपन तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर का नंबर दो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोल दो चाहे कॉन्टिन्यूस बोल दो, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लेके चलते हैं, तो हिंदी में पहचान होती है ऐसे सेंटेंसेस की। देखो मैं जानबूझ के हिंदी भी पहचान लेके चलता हूँ कि आपको जब सेंटेंस बनाओगे तो इंग्लिश टू हिंदी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम आएंगे। पांच सेंटेंस आएंगे जिसको आपको हिंदी में बनाने पड़ेंगे और पाँच ऐसे जिसको इंग्लिश में बनानी पड़ेगी। 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बड़े एग्जाम जैसे आर एस दे दो चाहे आई एस दे दो, एग्जाम्स में काफ़ी सारे एग्जाम में ट्रांसलेशन के रूप में क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, सारे बच्चे कहते हैं एक ही लैंग्वेज पढ़ाओ, एक लैंग्वेज से नहीं काम चलेगा, आगे जाओगे तो क्या करोगे, दोनों लैंग्वेज सीख लोगे तो बढ़िया रहेगा आपके, ये हिंदी में पहचान है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की मैं अगर बात करूं, हालांकि मैं हेल्पिंग वर्ब का पूरा चार्ट लिखवा चुका फर्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी इसकी हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया वो होती है, जैसे फ्यूचर सिंपल की तो होती है शैल और विल, इसकी हो जाएगी शैल प्लस बी और विल प्लस बी, यानी कि शैल भी बोल दो और विल भी बोल दो, शेल प्लस बी, क्योंकि ये भी एक साथ नहीं आएगा जैसे वो बीन नहीं आता, बता दूंगा अभी सेंटेंस में, शेल भी और विल भी होता है, और शेल और विल का यूज़ मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पता चल जाएगा, बेसिकली सब जगह विल लग सकता है, लेकिन शेल कहाँ लगाना है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। वैसे आई और वी के साथ शेल ज़्यादा बेटर है, और वैसे विल सब जगह लग जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई फिक्स ये रूल नहीं है कि शेल सिंगुलर के साथ लगेगा या प्लूरल के साथ लगेगा, शेल विल में वो रूल नहीं है, क्योंकि शेल एक मॉडल है, दोनों ही मॉडल है, तो मॉडल का अलग रूल होता है, तो मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा शेल और विल का, जैसे ही ये अपना टेंस खत्म हो जाएंगे दो वीडियो और इसके, उसके बाद मैं उसका वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, तो वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। और वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, यानी कि विवन प्लस आईएनजी, शॉर्ट बोल सकते हैं अपन विवन प्लस आईएनजी, जो अपने चार्ट बनाया था वो चार्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल है। कैसे कि ये दो नंबर है, फ्यूचर का दो नंबर है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है हर किसी टेंस का दो नंबर और चार नंबर, दो नंबर और चार नंबर, दो नंबर और चार नंबर, सब में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे आता है। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप चाहते हो सेंटेंस बनाना, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ फिर उसके बाद फॉर्मूले भी लिखो देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस हिंदी में पहचान क्या रहा होगा, रही होगी, तो हम एक सेंटेंस लेते हैं कि हम इस टाइम इस समय, लिख दो हम इस समय पढ़ रहे होंगे। देखो पूरी बात को सुनो, हम इस समय कल पढ़ रहे होंगे, आने वाला जो कल है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पढ़ रहे होंगे, सपोज अभी अपन टेंस पढ़ रहे हैं और जो भी आपका टाइम हुआ अभी, तो आप उस टाइम क्या करोगे कि सपोज अभी 11 बजे हैं, मान के चलते हैं 11 बजे मॉर्निंग के सुबह के, तो अगर अभी 11 बजे हैं तो आप ये कहोगे कल, मतलब अगले दिन के लिए आप ये कह रहे होंगे कि कल मैं इसका जो सोल्यूशन होगा टेस्ट का, आपको पता है मैं हर टेस्ट के बाद में आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक वो होमवर्क देता हूँ उसका सोल्यूशन, तो कल हम इस टाइम होमवर्क को चेक कर रहे होंगे, मतलब हमारे आंसर मैच कर रहे होंगे, तो वो फ्यूचर की बात है। वैसे ही हम इस समय, तो देखो वैसे भी अपन ने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, वापस रिवाइज करो मेरी बातें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस, वहाँ पर भी एट दिस टाइम वर्ड यूज़ किया था कि जब भी एट दिस टाइम का नाम आएगा वहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस आता है। वैसे ही इसमें भी इस समय का मतलब भी एट दिस टाइम होता है, तो एट दिस टाइम का मतलब फ्यूचर में भी यूज़ होता है कंटिन्यूअस में, मतलब कि वी, और वी है प्लूरल, लेकिन यहाँ प्लूरल सिंगुलर कोई रूल नहीं है, आई और वी के साथ शैल यूज करो ज़्यादा बेटर है, वैसे विल भी लग सकता है लेकिन ज़्यादा बेटर यही है। वी शैल बी स्टडिंग, स्टडी और वाई आई एन जी, पूरी बात को सुनो, स्टडी प्लस आई एन जी बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, क्योंकि दो नंबर टेंस है, तो वी शैल बी स्टडिंग। अब यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, इस समय, तो वी शैल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, समझ गए कि इस टाइम पर हम क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सिंपल है ऐसे। अब इसी का मान लेते हैं अपन नेगेटिव। देखो ये तो था अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, अब नकारात्मक, मतलब वी शैल नॉट बी, एक साथ भी नहीं आएगा, वी शैल नॉट बी, बाकी सेम है। अब मेरी बात सुनो, इसके में अपन इस साइड फॉर्मूले भी लिखते चलते हैं, जो अपन स्टार्टिंग से अपना जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, तो सकारात्मक के अंदर आपको बनाना सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, शैल बी और विल बी, यानी कि शैल बी या फिर विल बी, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगी, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो था अपना अफर्मेटिव के लिए। इसके लिए अब अपन बात करते हैं नेगेटिव की, यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक क्या बनेगा, सब्जेक्ट पहले, फिर वापस वही शैल बी या विल बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोल दो, बोले शैल बी या विल बी, क्या एक साथ आएगा क्या, नहीं, शैल या विल, ध्यान से सुनो, शैल या फिर विल, ठीक है, उसके बाद में आएगा नोट, फिर आएगा बी, पूरी बात सुनो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, फिर नोट, फिर बी, और उसके बाद में ये पूरा सेम, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही अपन बनाएंगे इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यानी कि शैल या फिर विल पहले आ जाएगा, लेकिन बी नहीं आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में बी आएगा, पूरी बात सुनना, शैल बी विल बी, चाहे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था चौथा टेंस, प्रेजेंट का चौथा, उसकी हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब थी, तो हैज़ बीन और हैव बीन एक साथ नहीं आता। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, सॉरी, पास्ट का चौथा, वो था अपना हैड बीन, हैड बीन एक साथ नहीं आता, हैड सब्जेक्ट बीन, हैड नॉट बीन, समझ रहे हो ना, ये वाले रूल तो वापस आप मैच कर सकते हो। वैसे इसमें भी बी नहीं आएगा एक साथ, पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल लगाना ना भूलें आप, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना इसमें। एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसमें सेम वही रहेगा कि शैल और विल में से कोई एक पहले आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट, वो भी चलो ठीक है, ठीक है, शैल या विल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, मतलब ये बी उसके बाद आएगा,
जैसे कि अभी चौथा बनाएंगे अभी अपन, फिर पता चल जाएगा कि पहले शैल या विल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, और उसके बाद में तो चलो सेम है वी वन प्लस आई एन जी। इन बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इन बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो फिर ये बी और नॉट यहाँ से सेंटेंस पक्का आता है एग्जाम में, और फिर वो आपसे आप क्या कर दो, कभी बी पहले भर दोगे या फिर कभी नॉट पहले भर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, और बस एक छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर देती है। अब जैसे मैं इंटरोगेटिव की बात करूँ, मतलब क्वेश्चन मार्क की, तो शैल पहले आ जाएगा, ध्यान से समझो, शैल वी, अब नॉट वाला नहीं है, शैल वी बी, देखो शैल लेवल में शैल, फिर सब्जेक्ट वी लगा दिया, फिर बी बी, फिर वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, बाकी सेम है, स्टडिंग एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क, समझ गए। ऐसे ही इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक में, शैल वी नॉट बी, शैल वी नॉट, देख लो बोले शैल या विल में से उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, शैल सब्जेक्ट नॉट बी, ठीक है, स्टडिंग बाकी सेम ही एट दिस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इन बातों का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। ये था शैल का यूज करना, और ये चारों फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से आपको नोट्स के अंदर लिखने हैं, और फिर इसके दो एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं आज आपको एक बहुत टॉप लेवल की चीज़ बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको एज इट इज़ आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कैसे, कि जैसे अभी अपन ने यूज़ किया, मैंने पूरे 12 के 12 टेंस लिख दिए, हालांकि अपन ने पढ़े भी 10 ही है, इन दोनों को भी लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा, अभी नोट्स तो इकट्ठे बन जाएंगे और जब ये नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात पूरी सुनना, अभी अपने ताज़ा कौन सा पढ़ा, अभी अपने पढ़ा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, ये रहा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, अपन उसमें रूल कौन सा लगाया था नेगेटिव इंटरोगेटिव में, कि शैल या विल पहले आएगा, देखो रिवाइज करो अभी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर भी आएगा, उसके बाद में जो कंटिन्यू सिस्टम है वो वी वन प्लस आई एन जी वाला आएगा। लेकिन एक तरीका और है, कि जैसे आप ये चाहते हो कि नहीं मैं नोट इनके साथ लिखना चाहता हूँ, एक स्टैंडर्ड की मैथ्स ये भी है, तो वहाँ पर शैल शैंट लिखा जाता है, शैल नोट को एक साथ जब लिखते हैं ना तो शैंट वॉन्ट, और विल नॉट को वॉन्ट, यानी कि अगर आप इस नोट को, पूरी बात को सुनना, इस नोट को इसके साथ में मर्ज करके लिखना चाहते हो, मतलब इकट्ठा लिखना चाहते हो, विल को भी इस नोट के साथ इकट्ठा करके लिखना चाहते हो, तो शैल का शैंट हो जाएगा, ए एस एच ए एन डबल एल हट जाएगा, एन और अपोस्ट्रोपी टी, ऐसे ही विल का डबल एल हट जाएगा, डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोपी टी, ध्यान रखना। तो फिर क्या होगा कि ये जो नोट है वो यहाँ आ गया, तो वही फॉर्मूला क्या बन गया, शैल नॉट या विल नॉट, सब्जेक्ट, अब नोट तो गायब हो गया क्योंकि नोट तो इनके साथ में आपने मर्ज कर दिया, बी उसके बाद में, मेरी बात समझ में आ गई। कोई एक नया सा पेज लो उसमें लिख लेना, या फिर आज वाला जो ये रूल लिखा था उसके नीचे भी कि या करके, मतलब अथवा और करके, कि इसकी जगह ये भी हम लगा सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है, चाहता तो नहीं भी बताता, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक ये है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेंटेंस ऐसे आते हैं, फिर आप नोट को ढूंढते रह जाओगे, नोट इसमें मर्ज हो गया। अब मैंने पूरे 12 लिख दिए, अब देखो हालांकि ये सिर्फ शैल विल का ही मुश्किल है कि शैल का शैंड और वॉन्ट बन गया, इसमें नहीं बनता। जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा होगा सबसे पहले, तो आपको पता है उसकी हेल्पिंग डू डज होती है, फिर इज एम आर, फिर हैज है, फिर हैज बिन हैव बिन, फिर डिड, फिर वॉज वर, फिर हैड हैड बिन, शैल विल, शैल बी विल बी, शैल हैव विल हैव, शैल हैव बिन विल हैव बिन, खत्म। ये हेल्पिंग वर्ब थी 12 की 12। अब ये जो डू डज हैं, अब डू डज का बड़ा सिंपल है, आपने डू और नॉट यहाँ यूज हुआ क्योंकि बीच में सब्जेक्ट आएगा, आपको पता है फॉर्मूला में लिखवा रखा है, लेकिन अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहते हो तो नॉट इसमें मर्ज हो गया, क्या कहला देगा, डजेंट, फिर सब्जेक्ट, इसका मतलब नॉट तो खत्म क्योंकि यहाँ आ गया, बाकी सेम। ऐसे ही इज का इजंट, एम का, क्योंकि एम का नहीं होता, एम का आपको एम नॉट ही करना पड़ेगा, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, बाकी आर नॉट, ठीक है, ओके, बाकी वही पूरा सेम, ये नॉट गायब हो जाएगा यहाँ से अपने फॉर्मूले में क्योंकि नॉट इस मर्ज हो गया। हैज़ का हैज़न्ट, हैव का हैवन्ट, ये फिर मैंने पूरा नहीं लिखा, आप समझ गए होंगे, अपने रूल में फॉलो कर लेना, मैं मर्ज कर देना। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, हैज़ हैव, चौथा टेंस है ये, हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन लगा देते हैं अपन, लेकिन अगर आप इस नॉट को इसके साथ मर्ज कर देते हो तो हैज़न्ट और हैवन्ट, नॉट खत्म हो गया, फिर सब्जेक्ट और बीन, बाकी वही सेम है। ऐसे ही डिड का डिडेंट, बाकी सेम, वोज वर का वोज का वोजेंट, वर का वरेंट, बाकी सेम, हैड का हैडेंट, हेड सब्जेक्ट नॉट बीन लगा देते अपन, तो हेड का हेडेंट हो गया, तो नॉट यहाँ से गायब, तो सब्जेक्ट और बीन, राइट, और बाकी शैल विल मैंने समझा ही दिया। तो ये बहुत ईजी है, इनको आपको समझना है, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, ये दोनों नेक्स्ट जैसे अपन टेंस करेंगे उसमें आपके दोनों काम आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट।